आज हम जाने वाले हैं फिनलैंड से स्वीडन इस क्रूज में, और मैंने बुक किया है इसमें ए क्लास कैबिन जिसमें कि ब्रेकफास्ट, डिनर, प्राइवेट कमरा, स्पा, पता नहीं क्या कुछ होगा, आई एम नॉट सो श्योर। और ये जर्नी होने वाली है 15 घंटे की। आज शाम को चलेगा ये 5 बजे हेलसिंकी से, और कल सुबह पहुंचेगा ये स्टॉकहोम 10 बजे। तो काफ़ी हैपनिंग होने वाली है ये जर्नी, स्टे ट्यून्ड। तो पहले तो देखिए यार, इसमें पता नहीं कितने तो लेवल्स हैं, शायद नीचे 3 हैं, ऊपर 4 हैं। तो मैंने सुना तो इसमें कि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होने वाली हैं इसके अंदर। पहले जाके चेक इन कर लेते हैं, पता लगे वीडियो के चक्कर में मेरा शेप ही निकल गया। तो चेक इन लिखा ही हुआ है वो सामने है, सिलजा लाइन अपनी, जाके उसे चेक इन कराते हैं आंटी से। तो ऐसा था मेरा बोर्डिंग पास छोटू सा। तो ये रहा अपना जहाज। सेंटा क्लॉज ही करी जाता पर बनया। तो जो मेरा कमरा है वो 10वें डेक पे है, 10th फ्लोर पे। तो जब अभी हम फ्लोर गिन रहे थे तो इसमें भाई 10 फ्लोर है अपना, 10 पता नहीं शायद 11-12 नौ, लेकिन अपना 10वें पे है। ये आ गई एंट्री, टाइटैनिक याद आ गया भाई मेरे को। भाई जहाज के अंदर आ गए हम, ये मुझे लगा जैसे ना एयरपोर्ट जैसे होता है, बट हम तो अंदर ही हैं जहाज के अभी। तो हमें यहाँ से लिफ्ट लेनी है अब। उसने कहा था शायद 4 नंबर लिफ्ट जाती है। टम टम, यही है लिफ्ट ना। ये रात तो कोई शो वगैरह है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट शो हैं। 11 बजे ये अलग है, 10 बजे कोई और है, 9 बजे कोई और है। तो लिफ्ट आ गई क्या अपनी? ये जाती है कि नहीं जाती 10वें फ्लोर पे? भाई 7वां फ्लोर तो ऑलरेडी है, ये जहाँ हम चढ़े हैं वो 7वां फ्लोर ऑलरेडी है। तो मतलब यही लगा लो, शायद यहीं पे कहीं होगा, और मेरे को वहां से भी ये पूरा नीचे व्यू दिखेगा। दिम दिम दिम। आ गया जी 10वां फ्लोर। अब अपना कमरा है 10400। 10400 किधर को पड़ेगा? ये 100 है, दस, हाँ ये रहा, ये लिखा है ना इस पे, नंबर लिखे हुए हैं कमरों के। तो 10426 है अपना, 402-3-4 एंड में जाके होगा। वो आ जा पर आवा, कमरा ही नहीं आ गया। 25-26 अपना कमरा। तो मेरे ख्याल से इसको ही अंदर डालना होगा। खुल गया, पा 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 पा। अरे क्या शानदार व्यू है अपने कमरे से, फाड़ू एकदम अच्छा हुआ हमने। अरे रुको, पहले ये देखो कैसे मैं आता हूँ। ये बैग आगे टांगा होता है, पीछे वो बैग टांगा होता है। इसको बंद कर लेते हैं। तो मैंने भी देखा तो है नहीं कमरा, आपके साथ ही देखता हूँ कमरा। रुको पहले बैग निकाल दूँ ये वाला। हाँ रिकॉर्डिंग ही चल रही है अभी तक। हाँ चल रही है। तो पहले देखते हैं भाई लाइटें, गुड, आई नीड मोर लाइट्स ब्रो। यहाँ पे होगा, हाँ अब जल रही है। अच्छा तो क्या सीन है कि 2 बेड हैं इसमें, ये एक है, ये एक और बेड ऐसे करके निकल आएगा ये बाहर को। मतलब अगर आप अपनी बंदी बंदी के साथ आ रहे हैं, दोस्त के साथ आ रहे हैं, तो 2 बेड मिल जाते हैं इस कमरे में, सेम प्राइस मिलता है।
तो मुझे मिला है तकरीबन ये ब्रेकफास्ट डिनर मिला के शायद 200 कुछ का, मैं बता दूंगा आपको एग्जैक्ट। लाइट जलो भाई। हाँ तो अपने पास प्रॉपर टॉयलेट सिंक शावर एवरीथिंग है ब्रो, क्या चाहिए और। हाँ तो ये हो गया अपना कमरा। अब इसके बाद मेरा जो ब्रेकफास्ट है, रुको मैं जरा लगा के बात करता हूँ कैमरे को। हाँ जी, तो मैं कुछ खाने के लिए ले आया था, डिनर 7 बजे है। तो अपना हाँ, तो जो उसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी है वो पड़ी है 231 यूरो। तो 231 यूरो में ब्रेकफास्ट और डिनर आप निकाल दोगे तो शायद 150 यूरो बचता है। तो है 40-45 यूरो का डिनर है और 30-31 का ब्रेकफास्ट है। तो उन दोनों को निकालो, शायद 150 यूरो आपको क्रूज़ मिल जाएगा। ये अच्छा वाला कमरा, मतलब सी फेसिंग। तो ये कॉस्ट है सी फेसिंग वाले रूम की। अगर आप वो वाला रूम लोगे जो अंदर को फेस करता है तो उसकी कॉस्ट अलग होगी। जो नीचे वाले होंगे अलग, जैसे शेयरिंग में कमरे होते हैं कि 2-3 लोग एक कमरे में हैं, तो वो अलग कॉस्ट होगी। तो 231 माइनस कर लो तो 150 यूरो तकरीबन मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आप खाना वाना तो क्या ही लेके आओगे, है ना, जब आ रहे हो क्रूज़ पे तो फिर सब कुछ ले लो। और मैंने जिस ऐप से बुक किया उसका मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बट हाँ मतलब अगर आपको बुक करना, नहीं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो बुक। क्या सेलजा लाइन जो भी नाम है इनका, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ एक और आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको फिनलैंड से स्टॉकहोम जाना ही है तो तुर्कू करके एक जगह है जो हेलसिंकी थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट में पड़ती है। तो तुर्कू से यू कैन टेक अ क्रूज़ टू स्टॉकहोम और वो बहुत सस्ता है। वो मैंने बुक किया था 36 यूरो में, लेकिन वो वही सीन था कि वो अंदर वाला कमरा था। 36 यूरो में वो वाला भी क्रूज़ मिल सकता है अगर आप तुर्कू से स्टॉकहोम बुक करें। लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा उसके मुकाबले में। और या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेट्स सी हाउ द नाइट गोस। यार अभी अंधेरा ही होने वाला है, लेकिन अभी तक शिप चली नहीं है, तो आई थॉट थोड़ा सा बाहर भी देख जाते हैं कि क्या क्या माहौल है पूरे शिप पे। बाद में अंधेरा हो जाएगा, देखते हैं कहीं से बाहर जाने का मतलब। तो अपना कमरा तो 10वें फ्लोर पे, 11वें फ्लोर पे डीलक्स क्लास है एक, तो ये और भी फैंसी होते होंगे कमरे और महंगे होते होंगे। अगर आपने मतलब कोई ऐसा कमरा नहीं लिया जिसमें कि सी फेसिंग है, तो आप यहाँ पे भी आके बैठ सकते हो और वही सेम व्यू देख सकते हो। ऊपर चलते हैं टॉप पे और देखिए 12वें फ्लोर पे संडेक वगैरह है, लेकिन उसके भी ऊपर एक और है न्यूयॉर्क क्लब एंड लाउंज, वो अलग ही मतलब कुछ पता नहीं क्या ही वहाँ पे क्या चल रहा होगा, स्वर्ग ही बना दिया होगा वहाँ पे तो उन्होंने। तो ये सनफ्लावर ओएसिस तो वो था, नहाने वहाने वाला है सब कुछ है, उसमें स्विमिंग पूल वगैरह बने हुए हैं और उसकी एंट्री टिकट अलग से है। हम ये देख के आते हैं बाहर खुले आसमान में क्या चल रहा है। अच्छा ये प्रॉपर है कि कोई भी कहीं भी आप कर रहे हो ट्रैवल किसी भी क्लास में तो। अच्छा ये तो वही नीचे का व्यू, इधर से हम बाहर, यहाँ पे है दरवाजा, भाई ठंड होगी बाहर। हेलो, तो ये भाई टॉप इनका, यहाँ चल रही बड़ी तेज हवा और ठंड, भयंकर ठंड है। तो जैसे देखा होगा आपने टाइटैनिक मूवी में, वो जो कॉमन डेक होता था, तो ये कॉमन डेक है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है बंदा। लेकिन हाँ वो देखिए पीछे दिख रहा है ऊपर जो न्यूयॉर्क क्लब वाला सीन है, वो उस पे है भाई, कुछ अलग ही फैंसी। इधर क्या है, यार मेरे को ना रेस्टोरेंट ढूंढना है। अच्छा कुछ नहीं है इधर, खाली ऐसे ही। रेस्टोरेंट ढूंढने जाके होगी शायद, रेस्टोरेंट अपने को बुकिंग करानी पड़ेगी।
डिनर की ना, कि उसमें वो टेबल बुक कराना पड़ेगा डिनर का, कि अपने को इतने बजे आएंगे हम खाना खाने। उसके अलावा तो पेमेंट तो हमने पहले ही कर रखी है, तो मेरे तो हमें मिल ही गया पूरा का पूरा प्लान ना। हम एंटर करे थे सातवें वाले फ्लोर से, और इसके नीचे कुछ तो हॉल्स हैं, अच्छा बूफे यहाँ पे, तो मुझे यहीं पे जाना है खाना खाने। ब्रेकफास्ट भी यहीं होगा, डिनर भी यहीं पे होगा, बाकी यहाँ पे कुछ कुछ कैसीनो वगैरह वो सब, मतलब मीटिंग हॉल वगैरह सब हैं। कैसीनो इधर है सेवन फ्लोर, जहाँ से हम एंटर करे थे वहीं पे सब दुकानें थी यहाँ पे ना, और वाइन शॉप प्लांट दुकान, उसके ऊपर आठवें नौवें दसवें और ग्यारहवें फ्लोर पे सारे ही रूम्स वगैरह हैं। नीचे भी एक तो यहाँ पे हैं रूम्स पाँचवें फ्लोर पे, और चौथे पे शायद गाड़ियाँ वगैरह और जो भी सामान आएगा आपका, और ये सब कार्गो है नीचे तीसरे चौथे दूसरे पे। यहाँ से नीचे फिर बाकी सब होगा, इंजन वगैरह होगा वो नीचे वाले होगा फर्स्ट पे। तो ये है पूरा स्कीम। तो जैसा कि मेरा शक था कि भाई टेबल रिजर्व कराना पड़ेगा, तो हमने टेबल रिजर्व कर लिया 210, और यही हॉल है यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे सुपरमार्केट वगैरह भी बनी हुई है, लेकिन ये बंद पड़ी है, मेरे ख्याल से खुल जाएगी जब शिप चलेगी। तो सब कुछ ही है। वो बोल रही थी कि यहाँ तो अभी तो खाना खाना तो अभी खा ले, ये देखो यहाँ पे लिखा है 50 यूरो का। मैंने कहा नहीं 7:30 ठीक है, अब वापस चलते हैं कमरे में। यहाँ सेवन फ्लोर थोड़ा सा घुमाता हूँ आपको, सेवन फ्लोर काफ़ी अच्छा है, सेवन फ्लोर पे ही मैक्सिमम वो दुकानें वकानें हैं वो सब। तो देखिए यहाँ पे सारी दुकानें वगैरह हैं, बार वगैरह हैं, और वो सामने दिख रहे हैं स्टार लाइट, वहाँ पे इवेंट होगा शाम को, शायद 10 बजे है। चल के देखते हैं, क्या पता कुछ चल ही रहा हो अभी। भाई यहाँ तो पूरा कैसीनो बना रखा है इन्होंने, पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा अभी। हाँ चल जाएगा, इसमें से यहीं पे आपको, हाँ यहाँ पे पेमेंट करो सीधे कार्ड लगा के, यहाँ टिकट लेके। इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, थोड़ा ज़्यादा रंगीन है वो, चलते हैं ऊपर। मेरे ख्याल से वो शो वगैरह शुरू होगा यहाँ पे, थोड़ा लेट होगा। काफी सही है यार ये। अच्छा यहाँ पे होगा जो भी होगा शो वगैरह। नॉइस। तो शिप चल पड़ा है हमारा, यू कैन सी थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, अभी काफी स्लो है। अभी बजे नहीं थे 5, लेकिन चालू हो गया पहले ही, मे बी इनकी बोर्डिंग पूरी हो गई होगी। तो चलिए चलते हैं स्वीडन। हाँ जी, तो अब बज गए 7:30, थोड़ा सा मैं नहा धो के तैयार हो गया, सुबह नहाने था, तो अभी हम चल रहे डिनर करने। तो अपने को ये दे रखा था भाई 210 नंबर टेबल, वैसे तो बुफे ही है लेकिन टेबल रिजर्व। तो भाई कितने सारे टेबल हैं आप देखो, है ना, तो उसमें से 210 नंबर टेबल हमारा है। चलिए चलते हैं। 6 नंबर पे है। मैंने 2 चक्कर तो लगा दिए इसके, अभी एक और चक्कर लगाते हैं। तो बुफे सिस्टम ही है पूरा, और काफ़ी सारी वैरायटी है, मतलब यहाँ आपको वाइन, बियर, रेड वाइन सब कुछ मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, पानी मिलेगा, यहाँ कुछ सैलड्स हैं, और उधर थाई खाना भी है, और इधर मीठा भी है, तो काफ़ी कुछ है खाने के लिए। अभी मैंने 2 चक्कर लगा लिए, तीसरा चक्कर लगाते हैं, देखते हैं क्या पसंद आता है। ये तो अपने को समझ नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने खाया काफ़ी कुछ, मतलब चिकन भी है, फिश भी है, अपने मतलब का खाना। वेजिटेरियन कुछ कुछ तो है, जैसे ये लज़ानिया, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, लेकिन बहुत ही कम वैरायटी है फिर वेजिटेरियंस के लिए। और
मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ है। चलो अभी एक और चक्कर लगाते हैं, ये देख लो कुछ कुछ सैलड्स वगैरह हैं, ज़्यादा फैंसी आइटम है यहाँ पे। तो भाई खाना हो गया हमारा, ये देखो ये भी खुल गया है, पूरा स्टोर है, मतलब परफ्यूम वगैरह जैसे होता है ना एयरपोर्ट्स पे, वो वाला हिसाब किताब है। ऊपर चलते हैं सातवें फ्लोर पे, देखते हैं कुछ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे कि नहीं। तो अगर आपको नीचे नहीं खाना, 50 रुपये का खाना, तो जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हैं आप यहाँ भी खा सकते हो। बाकी मुझे लग रहा है कि माहौल बनने वाला है थोड़ी देर में, अभी तो 8:30 ही हुए हैं, तो अभी रूम में ही चलते हैं फिर वापस आएंगे थोड़ी देर में। ओ सॉरी 10वां। और एक पता नहीं भाई ऐसा लग रहा था ना जैसे ज़मीन हिल रही है, क्योंकि शिप है ऑब्वियसली, तो काफ़ी ऐसे ऐसे हिलता रहता है, तो यू फील लाइक कि बंद हो जा, तो यू फील लाइक कि सब कुछ जैसे ज़मीन हिल रही है, अर्थ को एक आ रहा है, सभी डूल रहे इधर उधर। चलो वापस कमरे में, ये देखो अभी सब हिल रहा है ऐसे ऐसे, ये कैमरा नहीं हिला रहा, मैं खुद भी हिल रहा हूँ साथ में। तो यार एक्चुअली मैं गया था चेक करने नीचे कि कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा इवेंट वगैरह पे, कुछ चल नहीं रहा, सब ऐसे ठंडा पड़ा है। और अभी पिछले 1 घंटे से शिप काफ़ी हिल रहा है, काफ़ी ऐसे ऊपर को नीचे साइडवेज, तो मतलब मुझे इतना इशू नहीं है मोशन सिकनेस का नहीं है, बट अगर किसी को हो तो आई डोंट नो सी सिकनेस वाला सीन। बाकी जब सुबह उठूंगा तब बताऊंगा आपको, अपडेट करूंगा, अभी तो बस मैं देख रहा हूँ टीवी थोड़ा बहुत लगा के और सोएंगे अब आराम से, और आपको मिलता हूँ मैं सुबह उठ के। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी, वैसे मेरा मन तो था कि मैं वैसे वाला सीन करूँ कि मैं ऐसे सो रहा हूँ और फिर पीछे म्यूज़िक बज रहा है और फिर मैं उठ रहा हूँ, सिंगड़ाई ले रहा हूँ, बट लेट्स कीप इट रियल। मैं उठ गया था अभी 1/2 घंटे पहले और बाहर अंधेरा ही था। एक्चुअली बड़ा टाइम कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि जो टाइम है फिनलैंड का और जो टाइम है स्वीडन का, दोनों में 1 घंटे का फ़र्क है। तो अभी फिनलैंड का टाइम हो रहा है 8:15, लेकिन स्वीडन का टाइम हो रहा है 7:15, तो 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। ब्रेकफास्ट का टाइम है अभी, ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर बताऊँ आपको मैं एक्सपीरियंस मेरे रात का सोने का, तो मुझे बिल्कुल भी कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ। जब मैं सोने लगा था तब लग रहा था कि हाँ यार ऐसे बाहर आवाज़ें आ रही हैं ना, वो लहरों की। एक बार तो इतना बड़ा पानी, मतलब ये 10वां माला है, 10वां फ्लोर है, 10वां डेक है, पानी नीचे से जब ऐसी इतनी बड़ी लहर आई कि यहाँ तक छींटे आए ऊपर मेरी खिड़की तक। लेकिन रात को ना लाइटें बंद करके बाहर देखो आराम से, बड़ा अच्छा व्यू था, क्लाउडी था, मेरे को स्टार्स तो नहीं दिख रहे थे लेकिन लहरें वगैरह, और दूर एक और शिप जा रहा था, तो सही था एक्सपीरियंस काफ़ी। थोड़े बहुत ऐसे 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 झूल रहा था शिप, लेकिन इट वाज लाइक जैसे वो नहीं होता झूला होता है अपना बचपन में ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। मुझे तो कुछ भी सी सिकनेस मोशन सिकनेस कुछ नहीं हुआ, आई डोंट नो मे बी आपको हो सकता है नहीं हो सकता। और अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और अभी एक्चुअली ना हम स्वीडन के जो स्वीडन का क्या सीन है स्टॉकहोम का, कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं तो हम उनके बीच में से ही गुजर रहे हैं, तो बहुत ही स्लो चल रहा है शिप। मेरे ख्याल से अभी 2-3 घंटे और लगाएगा स्टॉकहोम पहुंचने में, तो बस जैसे ही स्टॉकहोम पहुंचते हैं फिर हम वहां से आगे जाना है हमें, क्योंकि आगे हम जाने वाले हैं स्वालबार्ड। तो आपको मैं ब्रेकफास्ट दिखाता हूं फिर ख़त्म करेंगे वीडियो को बाद में, और स्वालबार्ड की वीडियो उसके इससे नेक्स्ट आएगी शायद वीडियो ना, तो सब्सक्राइब कर लेना याद से। सर ब्रेकफास्ट में काफ़ी कम ऑप्शन थी, ब्रेड और सीरियल्स और थोड़े से फ्रूट और थोड़े अंडे वगैरह, मतलब जितना अच्छा डिनर वगैरह था उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है सस्ता भी है डिनर से। तो कर लिया आपने ब्रेकफास्ट, चलते हैं अपने कमरे में वापस।
तो चलो जी टाइम आ गया अब निकलने का। मैंने सारी की सारी पैकिंग कर दी है, ये अपना सामान पैक हो गया और अब निकलते हैं हम। स्वीडन में जाऊंगा, वहां से मैं ट्रेन लूंगा और फिर जाऊंगा मैं ओस्लो, और ओस्लो से फिर हम फ्लाइट लेंगे स्वालबार्ड की, वो अगली आने वाली वीडियो में होने वाला है। इसका मतलब एक्सपीरियंस में तो मैं इसको दूंगा, मतलब वाइब इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि इतना जो माहौल नहीं था अंदर की, वो बोल रहे थे कि ये इवेंट होगा वो इवेंट होगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई क्या बोलते लाइव परफॉर्मेंस वगैरह नहीं हुई। खाना अच्छा था और ये रूम भी काफ़ी अच्छा था। तो अगर आपको मतलब स्पेशल इस क्रूज एक्सपीरियंस के लिए नहीं, बट अगर आपको फिनलैंड से स्वीडन आना ही है तो आई गेस दिस इज द बेस्ट वे, बेटर देन फ्लाइट, क्योंकि अच्छी आपको नींद आती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। या सो दैट वॉज इट अबाउट दिस वीडियो, अभी फटाफट बाहर निकलते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय फॉर नाउ।